क्या ये लग रही है अच्छी मेरे पे, ब्राउन के साथ में ब्लू। बताओ जरा आप खुद से, टी शर्ट कितने की आई? ये लो मम्मा जी। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। H2 को ना अभी मेरे को यहाँ पे लेके आना है, बिल्कुल साइड में थी बिकॉज ऑफ द फंक्शन, तो इसको मैं उधर करता हूँ। इसके ये पूरे पार्ट सब खुले पड़े हैं, इतनी भारी है, वहाँ से अकेला यहाँ पर लेकर आया हूँ अभी। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मा के साथ में, कहाँ पे? DLF Emporio, यादव की ड्रेस बाय करने के लिए। एक्चुअली नानी की हो रही है 50th वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसको मम्मा पूरा कर रही है रिक्रिएट वेडिंग के अंदर। तो वहाँ पे मेरे को ड्रेस वगैरह पहननी है, तो मैं एक्चुअली कैसे 2 दिन पहले भी मेरे को मम्मा ने कहा था कि मेरे साथ जाइयो लेने के लिए। तो बस अब जा रहे हैं और अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। वेल सो हेलो गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। दुबई के अंदर ऑलमोस्ट हर गाड़ी ने जो टैक्सी के अंदर है वो ये कैमरी है हाइब्रिड, और यहाँ पे देखो ऐसे चल रही है, उसको बहुत लग्जरी गाड़ी मानते हैं। पापा ने ना मम्मा को कहा था कि अंकल के मजे ले लियो थोड़े, और मैं तो मैसेज दे के पछताई सच। मैंने ले लिए, अब पता क्या वो पापा को फोन करेंगे, पापा पता क्या बोलेंगे? हाँ तो क्या हो गया ले लिए तो? वो कहेंगे मैंने ही बोला था। नहीं वो ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो मना कर देंगे। मैं उसको समझाता हूँ। तो मम्मा आज कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा खर्चा होने वाला है अच्छा खासा। बेटे अच्छे काम के लिए और अच्छी चीज पे खर्चे के लिए तो हम काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं फिर कमेंट में कि पैसे वेस्ट है। नहीं, वेस्टेज नहीं है। सबसे अच्छी बात ये कि इस वक्त गुड़गांव की होती है छुट्टी, और हमको जो ये रोड है ना पूरी खाली मिलने वाली है, वो वाली इतनी भरी होगी। तो हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट 7:30 बजे के बाद ही वापस वहाँ से आएंगे, तो जाम मिल सकता है वो बहुत ज्यादा। सच में? यस। तो इसलिए मम्मा गाड़ी डाल दी मैंने स्पोर्ट्स मोड में। चलो जो दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं आगे, दोनों के जो नंबर है वो VIP हैं, और कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 लाख रुपए के सिर्फ नंबर है गाड़ियों पे, इस पे भी और उस पे भी, इनोवा पे। सैटरडे संडे को यहाँ पर आ जाओ, मज़ा आ जाता है। इतनी गाड़ियाँ, इतनी उम्र लैम्बो दिखती हैं, फिर मेरे को लगता है कि लैम्बो देखनी तो घर में देख लो। वो ये भी सही है। टिकटलेस कार पार्किंग, टिकटलेस कार पार्किंग नहीं भैया? अच्छा मम्मा याद है इस वाले मॉल में एक बार हम एस्केलेटर से डर गए थे, दोनों डर गए थे मम्मा और मैं उतरते हुए। वो उस समय एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो सब लोग ना अजीब सा हो रहा था। परसों यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, और अब सामने एम्पोरियो। मैं यहाँ पे आकर ना थोड़ी दुबई वाली आ जाती है फील कि थोड़ा हाँ, और जैसे अब एंटर करोगे ना इसके अंदर तो आपको सूंघना फ्रेगरेंस। हाँ सेम, वहाँ तो हर जगह ऊद की स्मेल है ना। मेरा भी ऐसा ही कुछ है मम्मा, इसका लोअर और अपर सबसे सही लगता है। अभी वेटिंग चल रही है यहाँ पे, इसलिए मम्मा अपना देख रही हैं। जो मैंने पसंद किया था ना बेसिकली, मेरे को मम्मा ने ये कहा था कि उसको साइज़ मैं देखूँगी उसका खुद से। अब ये जो रेड वाला है ये भी सही लग रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है ये तो। इसका लोअर नहीं है ना, देखते हैं ना कुछ और। ये उसके मैच नहीं कर रहा जो मैंने देखा था, फिर मैं कह रहा था ना, देखा ये आपके आने का फ़ायदा। ये देखो कहाँ मैच कर रहा है। श्योर ये सही है, लेकिन मम्मा फिर भी ये तो इसका फैब्रिक देखो ना कितना अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छी है, पर इसके साथ तो ट्राउजर अपने आप से। ट्राउजर तो मैं देख लेता हूँ, मेरे को ऊपर तो सबसे सही ये वाला ही है। सबसे अच्छा यही लग रहा है मुझे भी। मेरे को मम्मा कह रही है पैंट पहन ले, बट मेरे को पैंट पहनने का बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कौन कलर की जीन्स ले लो ज़रा से, वो भी ठीक है। और क्या प्लेन जीन्स, ऐसी जीन्स, हाँ जीन्स पहनना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मैच नहीं ना कर रहा है। व्हाट टू डू देन है, तो ये भी एक नंबर की। अब मैं ट्राई करता हूँ एक बार ये ब्लू वाली, वैसे ये साइज़ मेरा ही है। क्या ये लग रही है अच्छी मेरे पे? ब्राउन के साथ में ब्लू, ऊपर वाइट, इतनी मैचिंग नहीं लग रही मेरे को। मम्मा को दिखाता हूँ एक बार, पूछता हूँ सही लग रही है मम्मा ये? हाँ। जो मैंने पहनी है ये ठीक है। अब और लोअर? लोअर नहीं मैच कर रहा इसके साथ, और इनके पास है नहीं सेट, इसका सेट है इनके पास पूरा। ये मम्मा ना ना मोनोग्राम चाहिए ना। स्नीकर्स कोई भी मेरे साइज़ में नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम साइज़ 11.5 है। मेरे को ये बहुत अच्छे लगे थे। टी शर्ट तो मैंने चलो ले ली है, लेकिन ये एक नंबर के थे पूरा से। देखो बी डिज़ाइन है हमें, ये वाला आइकॉनिक है। 187 दिस इज आई एम लुकिंग, सही है वाला। दिस इज लाइक साइज वाइज इट्स नॉट ओके एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल। बिलिंग हो चुकी है डन। कितने की हुई है मम्मा बताओ जरा आप खुद से? टी शर्ट कितने की आई है? 75,000, 75,000 रुपये की एक टी शर्ट भाई। प्राइड पोजेशन। हाँ शॉपिंग कर लिए भाई डन अभी, और अभी मेरे को एक चीज़ और देखनी है, तो वो भी दिखाता हूँ चलो उसके बाद। यहाँ की फ्रेगरेंस वगैरह सब अच्छा है, लगता है कि आप कहीं आए हो अच्छी जगह पे। बुल्गारी भी है यहाँ पे मम्मा, शनेल का है शनैल नहीं है यहाँ पे। फिर वही अभी कुछ खाने के लिए आ गया मम्मा के साथ में। मम्मा पी टमाटो सूप और मैं यहाँ पे रहा हूँ सैंडविच साथ में कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ की वाइफ एक बार ज़रा देखो कितनी अच्छी है, दिखाना मैं एक बार वहाँ पे ज़रा, बहुत औसम है ना। मम्मा थैंक यू फॉर द ट्रीट एंड दिस। और मैं देखो आपका अगला कदम जो है ना वो ये है डियोर, लिफ्ट नहीं डियोर। या अभी इनका जो मेन स्टोर है वो रेनोवेट हो रहा है, जो एलवी के सामने वाला है, तो भी यहाँ पे खुला हुआ है। ये वाला बैग मम्मा को पसंद आ रहा है, लेकिन सब जो इनके आइकॉनिक है ना वो ये टोट बैग्स हैं, सबसे आइकॉनिक है क्रिस्टियन डियोर का। ये है ना मैं कुछ ये सब तो अच्छे हैं इनके, एक्चुअली ये बदलते रहते हैं बट वो एवरग्रीन है। अपना नाम लिखवा लो पीछे मम्मा ऐसे, मृदुला मेहता। कब से बोला मम्मा आपको ये है एक नंबर की चीज़, इसको लेके परे मारो, लेके मारो। एक प्लान कब से था कि डियोर का एक बैग लेना है, डियोर का बैग लेना है, तो मम्मा ने पहले मेरे को मेरा डियोर का पर्स दिलवा दिया वही मॉल से। अब हो रहा है कि चलो मम्मा का जो बैग है ना जो फाइनली आ रहा है वो हो रहा है मम्मा ले लो आप, तो उसकी प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो अब पता नहीं ना कि आज इतने का कल इतने का हो जाएगा, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मतलब दुबई से ये सस्ता बोल रहा है। कितने है बता दो, कितने का है? 2,70,000 का बैग आपको दिखाता हूँ अभी कैसा है, सस्ता मिल रहा है मतलब दुबई से सस्ता मिल रहा है, दुबई में 3.5 लाख का है। हाँ ये लो मम्मा जी, ये आपके 2,70,000 रुपये पड़े हुए हैं, पीछे मम्मा आपके पड़े हुए हैं 75,000, आगे पीछे पैसे ही पैसे, नोट ही नोट। भाई आज ना मोटे मोटे खर्चे हो गए। आज की जो वीडियो है ना वो समझ जाओ कितना उसका बजट रहा होगा। तो अभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा वाला लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, बिकॉज भाई जब भी चीज़ें खरीदते हैं ना तो दिल से खुशी होती है। ये नहीं कि भाई सब चीज़ें पैसे वेस्ट होती हैं, लेकिन भाई मज़ा तो आया आज। और बस अब वापस घर जा रहे हैं, पेट इतना भर गया, इतना बढ़िया मैंने खाया था सैंडविच अभी। और मम्मा आप देख रही है बैग का सामान, ऑर्गेनाइज़र वगैरह, तो सीधा घर चलते हैं। और पापा को बताना मम्मा अभी तो क्या बोलेंगे वो हैं ये ले लिया। मेन बात है अम्मा जहाँ पे हम आज गए थे ना वो रूट पे मेरा हफ्ते में 3-4 बार जाना होता रहता है। जो जीतू बे की दुकान है वो उधर ही है, घिटो यहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स वाली है ना शॉप, उस वाली रोड पे जो सुल्तानपुर है, तो वहाँ से मेरे को लेके भी आना मेरा सारा S2 का सामान थोड़े दिनों बाद जब वो बुलाएंगे भाई। तो घर पे आ चुका हूँ, इतने भारी है बैग लेकर के। पापा से पूछते हैं क्या उनका रहता है रिएक्शन। आपका सामान पकड़ लो पापा जरा, ये आपको मैं पैसे पकड़ा रहा हूँ थोड़े से। सुनो। ये बिल्कुल चलेगा, इससे कम ग्रेस आएगी, उससे जीन्स से ज्यादा आएगी बाद में बेशक ये। हाँ मतलब ये चीज है कि कुछ लेना नहीं पड़ेगा सेपरेट अब। हाँ बाद में तो तू चाहे शॉर्ट्स पहन लेना। जहाँ से किया था अपना आज का वीडियो स्टार्ट ना वहीं पे ही एंड करने वाले हैं। और क्या क्या सामान लिया आप देखना वो कल की वीडियो, उसके अंदर आपको हम करेंगे अनबॉक्स मम्मा का बैग और मेरा वाला जो टी शर्ट है। सही है सारा सामान बिल्कुल। मम्मा के एक्चुअली 2 बैग थे, दोनों को मम्मा को बहुत ज्यादा टाइम से चाहिए थे, एक सितंबर में आ गया, एक आज आ गया और सरप्राइजिंग भी आया बिल्कुल। तो चलो अपने खत्म करते हैं व्लॉग को यहीं पे, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। जय माता की।